नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आपसे उत्तर प्रदेश राज्य, पूरे राज्य भर के अंदर आपकी नई वैकेंसी निकाली गई है। 709 ऐसे वैकेंसी होंगे, 709 ऐसे पोस्ट होंगे जिन पे वैकेंसी निकाली गई है, और ये गवर्नमेंट जॉब निकाली गई है आपकी पूरे राज्य भर के अंदर, जो कि आपकी फॉरेस्ट गार्ड और वाइल्ड लाइफ गार्ड की होने वाली है। अब ये दोनों होते ही हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे। सबसे पहले हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। सबसे पहले हम इसमें कवर करेंगे कि इस जॉब की एलिजिबिलिटी क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, क्या कोई एग्जाम लिया जाएगा, एग्जाम होगा तो उसका पैटर्न क्या होगा, क्या क्या होने वाला है उस एग्जाम में। साथ में हम ये जानेंगे कि क्या कोई रिजर्वेशन रिलैक्सेशन है आपको, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या है, सैलरी क्या है और वर्क क्या है, फॉर्म फीस क्या है, डेट्स क्या है फॉर्म की, और एक एक चीज हम इसको क्लियर करेंगे। तो हम जानते हैं कि इस जॉब के बारे में एक एक चीज की, ये जॉब है किस चीज की। सबसे पहले आप देखिए, उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन है, यानी कि UP SSC है, जो कि आपकी वैकेंसी जो भी आपकी उत्तर प्रदेश में निकलती है उसमें रिक्रूटमेंट कराती है। तो इन्होंने आपकी वैकेंसी जो निकाली है उसके बारे में बोला है कि हमने एक नोटिफिकेशन निकाला है जिसको हम बता रहे हैं कि हम 709 ऐसे लोगों को चाह रहे हैं जो कि फॉरेस्ट गार्ड के लिए और साथ में आपका वाइल्ड लाइफ गार्ड की वैकेंसी है, उसमें जो भी एलिजिबल हो अप्लाई कर दे, और उसकी डेट भी उन्होंने दे दी है। तो उसी के रिलेटेड मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हम डायरेक्ट चलते हैं नोटिफिकेशन पे और एक एक चीज़ जानते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर यह है कि UP SSC ने बोला कि वन रक्षक, जो मैंने आपको इंग्लिश में फॉरेस्ट गार्ड बोला, वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक, तो ये आपके वन्य जीव रक्षक हो जाएगा। तो इसमें आपका वैकेंसी में आपको बोला गया कि आप 20 से लेके 20 सितंबर से लेके 10 अक्टूबर तक आप इसमें फॉर्म भर देंगे 2023 में। साथ में आप 11 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक उसमें चेंज कर पाएंगे फॉर्म में। अब कुछ भी चेंज नहीं होता है, जो चीज़ें आप कुछ ही चीज़ चेंज हो सकती हैं फॉर्म के अंदर, जो आपको भी लगती है कि हाँ चलो ये चीज़ गलती हो, मानी जा सकती है कि हाँ ये गलत है, हो गई होगी, तो उस चीज़ को चेंज कर पाएंगे आप बाद में। जब आप मान लीजिए अभी आपने फॉर्म भी भर दिया है, फीस भी सबमिट कर दिया, तो उसके बाद आप इस समय के बीच में अपनी फॉर्म में एडिट कर पाएंगे। तो ये मैंने आपको बताया। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे तो वैकेंसी टोटल 709 जो है उसमें से जो है 693 वैकेंसी जो है वो आपकी वन रक्षक की हो जाएंगी, 693, और 16 वैकेंसी यानी कि आपकी 16 जो कि आपके वन्य जीव रक्षक यानी कि वाइल्ड लाइफ गार्ड की हो जाएंगी। तो और ये आप इसमें आप ये चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पर ये मत समझिएगा कि उत्तर प्रदेश के राज्य के में जॉब है तो सिर्फ उत्तर प्रदेश वाले अप्लाई करेंगे, तो ऐसा नहीं है, पूरे भारत भर से अप्लाई कर पाएंगे फॉर्म में। और मेनली यहाँ पर आपका जो, लेकिन एक चीज़ ज़रूरी है कि आपने पैट का एग्ज़ाम ज़रूर दिया हो, जो UP PAT होता है, मतलब उत्तर प्रदेश राज्य में आपका एक प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जाता है, जो कि आपके UP SSC की या फिर कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर कभी भी उत्तर प्रदेश वैकेंसी निकालेगा, और वहाँ पर अगर आपका ये एक्सेप्ट होता है पैट का रिजल्ट, तो आप इसको लगाकर आप उस जॉब को ले सकते हैं। तो इस वजह से ये अगर जिसने भी दिया था वही इस जॉब पे अप्लाई कर पाएगा, जो कि 2022 का होगा। वैसा भी नहीं है कि कोई पैट पुराना वाला कोई कैंडिडेट हो 21-20 वाला, तो वो यहाँ पर नहीं लगाएगा, सिर्फ 22 वाले लगाएंगे, और 23 का भी होना बाकी है पैट का एग्ज़ाम। नेक्स्ट यहाँ पर ये रहेगा, नेक्स्ट यहाँ पर आप बता देता हूँ कि पैट के एग्जाम क्वालिफाइड वाले अप्लाई कर देंगे। अब इसमें है कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो है आप कुछ इंपॉर्टेंट्स बातें दी गई हैं उसको आप पढ़ सकते हैं। प्रक्रिया कैसे होगी, प्रक्रिया ऐसी ही होगी कि आप UP SSC के वेबसाइट पर जाएंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पर्सनल डिटेल, जेंडर मेल फीमेल जो भी आपका जेंडर होगा, फादर नेम मदर नेम जैसी चीज़ें डालकर आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे UP SSC पर। जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद आप फॉर्म भरने की तरफ जाएंगे, जिसमें आप अपने फ़ोटो, आईडी, सिग्नेचर जैसी चीज़ें और अपने 10वीं 12वीं जैसे सर्टिफिकेट्स और साथ में कास्ट सर्टिफिकेट जैसी चीज़ें अपलोड कर रहे होंगे, और उसके बाद फीस पे कर रहे होंगे। फीस यहाँ पर 25 रुपीज़ होगी, जो कि आगे लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा, सिर्फ उतनी ही फीस पे करनी होगी, और फीस पे करने के बाद वो सबमिट मान लिया जाएगा। तो चलिए, ये हमने बात कर ली है फीस की, और ये सारा प्रोसेस है, और इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर आप डाल देना पैट वाला 2022 का फॉर्म भरते हुए। आवेदन में अब इसमें यहाँ पर देखिए वही लिखा है, फ़ोटो साइन और बाकी डिटेल्स डाल के डिक्लेरेशन भी आप दे सकते हैं, मांगा जाए तो, ये सारी चीज़ें हैं। और ऑनलाइन ही फॉर्म भरा जाएगा, फिजिकल कोई ऑफलाइन मोड में फॉर्म नहीं भरा जाएगा। और ऑनलाइन में जैसे अलग अलग ऑप्शंस होते हैं फॉर्म की फ़ीस के लिए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI जैसे सुविधाओं से आप फॉर्म की फ़ीस भर पाएंगे 25 रुपीज़ की। आवेदन शुल्क आप देख लीजिए, ये टेबल है, आप अगर चाहें तो इसको ध्यान में रखने के लिए इसकी इमेज ले सकते हैं। ये आपका जो है फीस हो जाएगा कि इतनी फीस होने वाली है, तो ये फॉर्म की फीस होगी, हर कैटेगरी सेम फीस पे करेगी, और
यहाँ पर ये चीज लिखी हुई है साफ कि भारत का नागरिक को बोला जा रहा है, तो मतलब कुल मिला के हर स्टेट का कैंडिडेट अप्लाई करेगा, ना कि सिर्फ उत्तराखंड का या उत्तर प्रदेश का, इसमें हरियाणा वाला भी, आंध्र प्रदेश वाला, मेघालय वाला भी, त्रिपुरा वाला भी, मणिपुर वाला भी, और तमिलनाडु जैसी जगहों वाला भी कैंडिडेट अप्लाई कर पाएगा। तो मैंने आपको बताया, और इसमें फॉर्म का प्रिंट ले लेना फीस के बाद जरूर याद से, ये आपको यहाँ पर लिख के दिया है। साथ में आप ये कुछ डिटेल्स हैं, इसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे जब आप एडिट करेंगे जिस समय के अंदर, यानी कि 11 से 17 अक्टूबर के बीच में, तो इन चीज़ों को छोड़ देना, इसमें आप एडिट नहीं कर सकते हैं, बाकी चीज़ों को एडिट कर सकते हैं। ये क्यों बताई जाती हैं, इसलिए बताई जाती हैं कि आप पहले ही ध्यान रखें कि फॉर्म में इन चीज़ों में गलती ना हो, चाहकर भी ना हो, कैसे भी ना हो, ये आप ध्यान रख लेना। पदों का विवरण यहाँ पर दिया गया है कि कौन से पद है जो हमने डिस्कस किया। उसके बाद आप देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ डिटेल में, यही चीज़ बताता हूँ कि आपके जो पद हैं वो कैटेगरी वाइज कैसे रहने वाले हैं, और उसमें सैलरी क्या रहेगी, और कौन से डिपार्टमेंट में रहेंगे, और वो परमानेंट है या टेम्परेरी। तो सबसे पहले वन एवं वन्य जीव विभाग जो आपका होगा, यानी कि फॉरेस्ट और आपका वाइल्ड लाइफ गार्ड का जो वैकेंसी है, ये आपका डिपार्टमेंट रहेगा, विभाग यानी डिपार्टमेंट हम कहते हैं उसको, और वन रक्षक की वैकेंसी है इसमें, जिसमें आपकी 5200 से 20200 रुपये के बीच में सैलरी, ग्रेड पे 1900 रुपये, और उसके अलावा आपका अनारक्षित कैटेगरी 333, 333, फिर अनुसूचित जाति यानी कि SC के लिए 189, अनुसूचित जनजाति के लिए 5, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 97, और फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए EWS के लिए 69, टोटल यहाँ पे 693, और ये स्थायी अस्थायी दोनों है, यानी कि परमानेंट भी है और टेम्परेरी भी है, यानी हो सकता है बहुत लोगों को परमानेंट तौर पर रखा जाए, कुछ को टेम्परेरी के लिए रखा जाए, टेम्परेरी तौर पर रखा जाए इस जॉब पे। सेम अब आपका सेम डिपार्टमेंट के अंदर जो दूसरी वैकेंसी थी वाइल्ड लाइफ गार्ड की, इसमें सेम सैलरी रहेगी, और वैकेंसी यहाँ पर 16 है, आप इसको देख पा रहे हैं। तो टोटल यहाँ पे मैंने वैकेंसी बताई, अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। ये आपका दिखाया है कि क्षैतिज आरक्षण का विवरण, क्षैतिज आरक्षण का विवरण ये होता है मतलब आपका कि यहाँ पर जैसे कि दिव्यांगजन हो गए, यानी कि या फिर ब्लाइंड या फिर कोई डिसेबिलिटी में आ गए कैंडिडेट्स, या फ्रीडम फाइटर्स के फैमिली से बिलोंग करने वाले हो गए, या फ्रीडम फाइटर्स के आपके जनरेशन वाले हो गए वो लोग, या महिलाएं या फिर स्पोर्ट्स पर्सन जैसे कैटेगरी वाले लोग, उनको क्या फ़ायदे मिलेंगे, तो उसके रिलेटेड भी लिखा गया है, आप इसको देख सकते हैं। टोटल 13 जो होंगे वो फ्रीडम फाइटर्स की तरफ से आएंगे, 138 ऐसे महिलाएं होंगी जिनको यहाँ पे उनको फिक्स्ड है कि इतनी वैकेंसी उनके लिए रखी गई है, जो कि आपकी 693 के अंदर में से हो जाएंगी, उसके अंदर से ये होगी, और ये आप इस तरीके से देख सकते हो। टोटल यहाँ पे 141 वैकेंसी फीमेल्स के लिए है, और ये टोटल जो ऊपर आपको बताई गई उसके अलग नहीं है, उसी में से वैकेंसी रहेंगी। अब इसके बाद यहाँ पर है इसके बाद यहाँ पर ये बोला गया है कि अर्हता है, यानी एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी सिंपल है कि पैट एग्जाम क्वालिफाइड, 12th+ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे, इंटरमीडिएट लिखा हुआ है, 12th पास होगा वो कैंडिडेट्स तो अप्लाई कर सकता है। और साथ में अधिमानी अर्हता क्या है, अधिमानी अर्हता क्या है, जैसे कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश वन विभाग अवर अधीनस्थ वन रक्षक सेवा नियमावली 2015 के भाग 4 नियम 9 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामलों में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 साल की अवधि तक सेवा की हो, तो उन लोगों को भी फायदा मिल जाएगा। और नेशनल कैडेट कोर यानी कि NCC के कैंडिडेट्स को भी फायदा मिल जाएगा, और एज यहाँ पर 18 से 40 के बीच वाले अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब पर। और चयन का आधार क्या होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, वो यहाँ पर लिखा गया है। पहले लिखित परीक्षा होगी, रिटर्न एग्जाम होगा, शारीरिक मानक परीक्षा होगी यानी फिजिकल वाला जो आपका पैट एग्जाम जैसा होता है वो होगा, जिसमें आपकी उससे रिलेटेड जो भी होगा आप इसको रीड कर सकते हैं। पुरुषों की हाइट जो है 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी मेल्स कैंडिडेट्स की। सीने का जो फुलाव कराया जाएगा वो 5 सेंटीमीटर्स कम से कम होना चाहिए, वो करवाया जो जाएगा उसके लिए बताया गया है। और फिर आपका फीमेल्स के लिए बोला गया कि उनकी हाइट जो है 152 सेंटीमीटर्स हो, रिजर्वेशन में आपको अलग से दी गई हाइट। वजन इनका वजन होगा फीमेल्स का जो 45 से 58 किलोग्राम वेट होना चाहिए उनका, वो बोला गया है अप्लाई करने के। आप देख लें कि अगर आप इस वेट में आ रहे हैं तो अप्लाई करें, नहीं तो आप कैसे भी करके अगर कम है तो इंक्रीज़ करें, जो भी आप मैनेज करें वो यहाँ पर लिखा गया है।
तो ये चीज हो जाएगी। फिर उसके बाद है यहाँ पे दसता परीक्षा भी होगी, ऐसे व्यक्ति से जो शारीरिक मानक परीक्षा में सफल घोषित किए गए हों, जो इस एग्जाम में पास हुए होंगे, एक हर कारी प्रकृति की शारीरिक दसता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। शारीरिक दसता परीक्षण 3 सदस्यीय एक दल द्वारा किया जाएगा, जिनमें निम्नलिखित सदस्य होंगे। सम्मिलित वन प्रभाव के प्रभारी प्रभागीय निदेशक होंगे, चिकित्सक होगा और क्रीड़ा अधिकारी राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिकारी होंगे, यानी कि एनसीसी के भी वहाँ पे ऑफिसर्स होंगे, अधिकारी होंगे। फिर साथ में आपके उप प्रभागीय वनाधिकारी या फिर सहायक वन शर्षक ये भी होंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि पुरुष अभ्यर्थियों से 10 किलोग्राम का भार लेकर 4 घंटे में 25 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने की और महिला अभ्यर्थियों से 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने की अपेक्षा की जाती है। यह दौड़ मतलब ये जो है आपको करनी होगी, ये वैकेंसी के लिए यहाँ पे लिखा गया है। तो ये सारे कुछ है पॉइंट्स, ये इंपॉर्टेंट है। मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा आपका, उससे रिलेटेड चीज़ें दी गई हैं, आप इस चीज़ को रीड कर सकते हैं। और लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम क्या रहेगा वो आपको बता देता हूँ, वो आपको समय से बता दिया जाएगा। अभी कुछ नहीं बताया कि क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है। लिखित परीक्षा में के संबंध में विशेष नोट आपको दिया गया है। यदि परीक्षा में एक मान लीजिए एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ, या एक दिन से ज़्यादा लग गए इस एग्ज़ाम को कराने में इस जॉब के लिए, तो इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस लगाया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होता है आपका, मान लीजिए कोई कैंडिडेट्स की जो भी मार्क्स आए हैं वो उसको मार्क्स ना बता के उसके रिजल्ट में परसेंटाइल बता देना, और जो कि सारे उसके कॉम्पिटिटर होते हैं सारे कैंडिडेट से कंपेयर करके उस तरीके से बता देना, तो वो हो जाता है नॉर्मलाइजेशन। तो ये नॉर्मलाइजेशन हो गया है। अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश लिखे गए हैं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है आपके लिए, इस चीज़ को रीड कर लेना, ये सारे इंपॉर्टेंट्स रहेंगे आपके लिए। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है परिशिष्ट उत्तर प्रदेश के। अब जो जो उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति हैं एससी कैंडिडेट्स, तो वो ये वाला सर्टिफिकेट फिल करना और इसको अपलोड करना फॉर्म के साथ। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरे कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स, यानी कि आपके अनुसूचित जनजाति एसटी, तो वो ये वाला फॉर्म भर देंगे जो कि यूपी में ही रहते हैं। और ये पिछड़ा वर्ग यानी कि आपका पिछड़ी जाति यानी कि आपकी ये ओबीसी के लिए रहेगा। मैं क्लियर कर रहा हूँ कि कौन से सर्टिफिकेट किस चीज़ के लिए हैं, जो आपको अच्छे से पता रहे। आर्थिक रूप से कमजोर इकोनॉमिकली वीक और सेक्शन वाले ये अप्लाई कर देंगे इस वाले सर्टिफिकेट को। और ये वाला आपका स्वतंत्रता सेनानी के आर्चित के प्रमाण पत्र का, ये प्रमाण पत्र आपको देना होगा भाई, डिक्लरेशन। वो कह रहे आपको एक सर्टिफिकेट यानी कि आप प्रमाण पत्र दे रहे हैं, ये बता रहे हैं कि आप जो है उन्हीं के फैमिली या उन्हीं की तरफ से आते हैं, उन्हीं के जनरेशन में कहीं ना कहीं से आते हैं, वो आपको यहाँ बता देना है, तो वो ये सर्टिफिकेट होगा। तो ये पूरा फॉर्मेट है, सिलेबस अभी आया नहीं है, पैटर्न आया नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया प्रोसेस कैसा है कि भाई एग्ज़ाम हो रहा है। सिंपल आप ये समझ सकते हैं कि पहले आपका लिखित रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर फिजिकल, फिर मेडिकल, और बाकी आपकी दौड़ और ये सारी चीज़ें होंगी। दौड़ हो सकता है आपको एक बार को कम लगे कॉम्पिटेटिव कि भाई 4 घंटे में इतने जो है किलोमीटर भागना और एक वेट के साथ, तो कुछ वेट पकड़ा देना और फिर भागना, तो वो थोड़ा एक अलग लग सकता है। बाकी मैंने सारा क्लियर करा है इस जॉब से रिलेटेड, और बाकी सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रहा हूँ। और जो भी इंडियन कैंडिडेट्स हो एलिजिबल, मैं इंडियन बोल रहा हूँ ध्यान रखिएगा, तो जो भी इंडियन कैंडिडेट्स हो तो वो अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे नए टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।